हाँ, क्या नजारा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस नए व्लॉग में। और नैनीताल का आज दूसरा दिन है और आज हम आपको पूरा नैनीताल का ताल वगैरह जो भी नीचे का है हिसाब किताब वो सारा दिखाएंगे इस व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पेट पूजा भी जरूरी है और चलते हैं नाश्ता करने के लिए। बुफे लगा हुआ है यहाँ पर, देखते हैं कैसा खाना है यहाँ का। भोजनालय तो नाश्ता हो गया, अब करते हैं आगे का प्लान कि क्या करना है। सो, निकलने का टाइम हो गया है, निकलते हैं, गाड़ी रेडी है। तो जैसे निकलने वाले थे तो एक सब्सक्राइबर, ये एक्चुअल में इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, पुष्पेश मेहता नाम से, पुष्पेश मेहता नाम से। और कौन सा चैनल है? टेक यूट्यूब, टेक यूट्यूब चैनल है, जाके जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, भाई का सपोर्ट करना है। मैं भी सब्सक्राइबर हूँ, मेरे को भी शाउट आउट चाहिए। चलो तो चलते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर ताल है उधर जाएंगे अब। तो चल धन्नो, टाइम आ गया तेरा निकलने का। जब धन्नो बोल रहा है, चल धन्नो, तेरी इज्जत का सवाल है। तो अब सारा रास्ता ढलान है, तो कई लोग क्या करते हैं, ढलान में गाड़ी बंद कर देते हैं, बहुत गंदी आदत होती है। स्पेशली फोर व्हीलर तो बंद नहीं करना चाहिए, ब्रेक बूस्टर होता है उसमें। तो मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और इधर देखिए क्रिकेट मैच चल रहा है। पता नहीं यहाँ पर सारा कुछ पत्थर है यहाँ पर, मतलब छोटे मोटे कंकड़ हैं। जब ये लोग डाइव मारते होंगे, इनके कोहनियाँ घुटनों का क्या हाल होता होगा ये पता नहीं। तो चलिए चलते हैं ताल की तरफ। दोस्तों अभी हम हैं माल रोड में, और रवि सर और मैं किसी ऐसे सस्ते इंसान को ढूंढ रहे हैं जो हमें सस्ते में बोटिंग करवा सके। देखा, सस्ता इंसान सस्ते में बोटिंग, क्योंकि YouTube पैसा देता नहीं और हमें देखते कोई ढूंढते हैं, हम लोग ढूंढ के रहेंगे। क्यों रवि सर? सर मुझे टेंशन में आ गया यार, सस्ते में कहाँ से मिलेगा यार। कितना पैसा आता है आपका? हाँ, दिखाया था पिछली वीडियो के स्टार्टिंग में। अच्छा, वो मेरा उससे थोड़ा कम है। लाइफ जैकेट अभी मैं भी पहनता हूँ। सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, पीछे से क्या आ रहा है? ये थोड़ी लाइफ जैकेट ना थोड़ी सी छोटी हो गई है, मेरे साइज की नहीं है क्या? एक क्लिप खोल लगा। कौन सी? ये वाली? हाँ, ये वाली। इनके आने पे मैंने क्लिप खोल दी है, अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो नैनीताल का व्यू।
मैं अगर पानी को छूने के लिए थोड़ा सा तिरछा हो रहा हूँ ना, तो बोट भी तिरछी हो जा रही है भाई। 110 किलो है वजन, 110। भाई साहब है हमारे साथ। अरे मैं नहीं। हाँ। क्या नाम है अंकल आपका? प्रहलाद। प्रहलाद अंकल का नाम प्रहलाद है। तो ये जो लेक है लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है, और इस जगह का नाम नैनीताल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर नैना देवी का मंदिर है। और ये जो लेक है जिसमें हम घूम रहे हैं, ये नैनी लेक है। तो नज़ारा काफ़ी अच्छा है यहाँ से नैनीताल का। पूरे मतलब चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है नैनीताल, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है कसम से। और भाई कार्तिक कैसा लग रहा है? हाँ, फीलिंग सो हैप्पी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो गया है। ये अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली यार। नैनीताल वैसे भी मतलब अगर कोई कुमाऊं के बारे में बात करता है तो पहले बात ये आती है कि नैनीताल के बारे में, तो अच्छा लग रहा है। तो किनारे पे पहुंच गए हम एक नाव की राइड करने के बाद। अब उतरने का समय होता है। तो नावों के बीच में से रास्ता बना के किनारे तक हमारी नाव को पहुंचा रहे हैं। ये रही लाइफ जैकेट जो कि हमें भरोसा दिलाती है कि हम पानी के अंदर भी सुरक्षित हैं। चलो आराम से आराम से। धन्यवाद अंकल। यहाँ से सीधे मार्केट से ना? हाँ, यहाँ पर गेट है, अंदर जाके कोने में चप्पल उतार देना, ये है सामने नैना देवी का मंदिर। ठीक है जी। तो अभी जा रहे हैं नैना देवी जी के मंदिर पे, बाहर जाने का रास्ता। तो ये नैनीताल की भोटिया मार्केट। तो हमें अभी नैना देवी मंदिर में, और ये मंदिर अंदर से काफी खूबसूरत है, देख सकते हैं आप लोग। तो दर्शन तो हो लिए, अब चलते हैं, अब सीधा घर चलते हैं, बहुत देर होगी नैनीताल में। अब सीधे घर को। वो रही अपनी धन्नो, इंतजार कर रही है अपना। अरे निकालो हमें यहाँ से, निकालो। दम घुट गया मेरा। अरे यहाँ, ये यहाँ की पार्किंग है। आप नैनीताल में जब भी गाड़ियाँ जो पार्क करोगे, ताल देखने आओगे, तो ये पार्किंग है यहाँ की, जस्ट क्रिकेट ग्राउंड के सामने। तो चलिए, चलने का समय हो गया। धूप में गाड़ी बहुत गर्म हो गई है। मेरा फोन टायर से बड़ी भयंकर आवाज आ रही है, पड़ 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 पड़, ऐसा लग रहा है पंचर हो गए। चल धन्नो भाई, चढ़ाई पे चढ़ाई पे चढ़ाई करनी है तेरे को। दोस्त, अगर आप डिफेंस में हो या डिफेंस से रिटायर्ड हो, तो आपको नैनीताल में इनका रेस्ट हाउस मिल जाता है आर्मी वालों का। तो आप वहाँ पे आपको पहले से बुक करवाना पड़ता है, तो उनका नंबर आपको आप गूगल कर लेना, उसमें आपको इनका टेलीफोन नंबर मिलेगा जिसमें आप पहले बुक करवा लेना। और वहाँ पे आपको रहने की मतलब व्यवस्था तो मिल जाएगी साथ में। अगर आप चाहते हो कि मैं सुबह जाऊँ और शाम को आ जाऊँ, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का थोड़ा हिसाब किताब ऐसा है कि यहाँ पे जगह कम है, तो आपको पार्किंग के लिए बहुत आगे जाना पड़ता है। और जहाँ पे जाते हो पार्किंग के लिए, वहाँ पे थोड़ा जो उनका पार्किंग का रेट है वो थोड़ा हाई है। तो आप यहाँ पे लाख की गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर सकते हो दिन भर के लिए,
और फिर ले जा सकते हो जहाँ पे इसकी फैसिलिटी है। सो नैनीताल से हल्द्वानी आते वक्त यानी कि वापस आते वक्त सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ढलान है और यहाँ पर गाड़ी को मतलब बड़े आराम मिलता है यहाँ पर। और अभी ढलान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है न्यूट्रल में चढ़ाएं, गाड़ी बंद कर दें। अभी गाड़ी मेरे थर्ड गियर में चल रही है, सिर्फ मैंने ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर मैं ब्रेक दबा रहा हूँ बस। बाकी अपना जो गाड़ी है इंजन ब्रेकिंग से अपने आप को कंट्रोल कर रही है। अगर मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दूँ तो धनाधन चलते जाएगी नीचे की तरफ। और बंद इसलिए भी नहीं करनी चाहिए, जो ब्रेक बूस्टर है उसको वैक्यूम जो है गाड़ी का बंद हो जाता है, वैक्यूम बनाना बंद कर देती है और ब्रेक बूस्टर जो है काम नहीं करता, रिस्की साबित हो सकता है। दूसरा, ज़्यादा ब्रेक मारोगे तो ब्रेक ओवरहीट हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हल्की सी चढ़ाई आई, खिड़की खोल के आनंद ले रहे हैं हम तो ताज़ी हवा का नज़ारे काफ़ी अच्छे। वाह, क्या हेयर पिन बैंड है, चलो जी साइड मिल गया। हरियाणा रोडवेज से, उत्तराखंड रोडवेज से उत्तराखंड के होने के बाद, उत्तराखंड में आने के बाद हरियाणा अंदर तो नहीं निकल रहा यहाँ पर जो है ना इसका CSC बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं टर्न में जब ब्रेक ले रहा हूँ ना तो महसूस हो रहा है मुझे साफ। आगे देख ले भैया, उसको क्यों देख रही है। यो क्या नजारे हैं, नजारे माफ कर दो, नजारा अच्छा है लेकिन भाई देख सकता हूँ Drive slowly, reach safely. True. यह है NH 87। एक और हेयर पिन बैंड, मजा आता है मुझे ऐसे बैंड में। अच्छा नहीं सही है, एक बार में स्टीयरिंग टाइट होके पूरा गोल मिल जाती है। अरे 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 अंकल जी तो अरे 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 मोड़ में क्यों कर रहे हो भाई, खुद भी मारोगे दूसरों को भी मारोगे। ऑल क्लियर या हेलो धन्नो कह रही है चौथा गियर लगा ले भैया, पागल थोड़ी हम तो एक छोटे से चाय के ब्रेक पर रुके हुए थे, अब गाड़ी चलाएगा महुआ। ये पहाड़ जो है ना टूट टूट के गिर रहे हैं धीरे धीरे। जा रहा है छोटू अब बाय तो यहाँ से मुझे अकेले जाना है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास। वैसे मजा आया बहुत घूमने में, क्यों अगली बार अच्छा अच्छी जगह जाएंगे और ताकि आप लोग के लिए और अच्छे हम इंटरटेनिंग व्लॉग्स लेकर आए। तो ओके सर, मिलते हैं, ठीक है ना, अब मिलते हैं अब अगली बार जब भी होगा। और मिलने से याद आया यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा #promotion ये #, ठीक है तो चलो बाय। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग जरूर लिख के बताएं कमेंट में, और लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो, अगर पसंद नहीं आया तो फिर भी लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए। सो बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और भारत माता की जय।